चंद्रचूड़ सिंह एक सक्सेसफुल और टैलेंटेड एक्टर, यह आप उनके फिल्मों को देखकर भी समझ सकते हैं। लेकिन उनका बैड लक उनके स्ट्रगल वाले टाइम पीरियड से लेकर सक्सेस वाले टाइम पीरियड में भी अपना रंग दिखाता रहा। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस एक्टर की रंग बिरंगी जिंदगी डार्क साइड में चली गई। आखिर बदनसीबी का वो कौन सा साया था जो चंद्रचूड़ सिंह का पीछा करता रहा और फाइनली उसने उसे अपनी चपेट में ले ही लिया। जानने के लिए आज की वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। फिल्म माचिस का वो गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है जिसमें एक जादू भरी मुस्कान वाला लड़का अपने साथियों के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। गाने के बोल तो आपको याद ही आ गए होंगे, नहीं याद आए तो चलिए हम बता देते हैं। है, चप्पा चप्पा चरखा चले, या फिर आतंकवाद के रास्ते पर भटकते युवा का गीत छोड़ आए हम वो गलियां। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि चंद्रचूड़ सिंह है। 11 अक्टूबर साल 1968 को पैदा हुए चंद्रचूड़ सिंह फिल्मों में आने से पहले बच्चों को संगीत की शिक्षा देती थी। इसके अलावा वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। उस समय उनका सपना कलेक्टर बनने का था। ये एक्टर एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी माता ओडिशा के एक राजघराने की बेटी है और पिता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सांसद थे। इनका नाम बलदेव सिंह था। बलदेव सिंह के तीन बेटे हुए अभिमन्यु, आदित्य और चंद्रचूड़ सिंह। इनमें चंद्रचूड़ सबसे डिफरेंट और टैलेंटेड थे। इन्हें दून के इस मशहूर स्कूल में दाखिला मिला जिसमें कभी राजीव गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग पढ़ते थे। बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं। अपने स्कूलिंग के दौरान चंद्रचूड़ सिंह ने संगीत को अपना सब्जेक्ट चुना और वो क्लासिकल म्यूजिक की पढ़ाई करने लगे। उस समय उनका शौक या तो संगीत हुआ करता था या फिर वो आईएएस बनने के ख्वाब देखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उनके भीतर का एक्टर भी सांस ले रहा था और वो अपने आप को उभारना चाहता था। चंद्रचूड़ सिंह इस बात को समझ चुके थे और उनके मन में एक्टर बनने का भी सपना बल रहा था। दून स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली आ गए क्योंकि उनकी सारी फैमिली दिल्ली में ही सेटल हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और ये डिग्री कंप्लीट की 1988 में। लेकिन तब तक एक्टर बनने का सपना दिमाग पर कुछ इस कदर छा चुका था कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़कर मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए। घर वालों को बोला कि अपुन तो चला हीरो बनने। इसके बाद घर वालों ने भी अपने कनेक्शन निकाले। पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, इसीलिए इन्हें मुंबई में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुंबई आने के बाद चंद्रचूड़ सिंह की मुलाकात फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट से हुई और जब उन्होंने महेश भट्ट से अपने हीरो बनने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कहा कि तुम पहले फिल्मों के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, सीख लो। वो उस समय आवारगी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। चंद्रचूड़ सिंह को इस फिल्म में उन्होंने अपना असिस्टेंट बनाया। इस प्रकार चंद्रचूड़ सिंह ने फिल्म मेकिंग की बारीकियां तो सीखी लेकिन उनके दिमाग में तो एक्टर बनने का भूत सवार था, इसीलिए वो उसके लिए भी प्रयास कर रहे थे। इस समय एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति को लेकर एक फिल्म बन रही थी। फिल्म का नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के अपोजिट लीड एक्टर के लिए ऑडिशन चल रहा था और चंद्रचूड़ सिंह भी ऑडिशन देने के लिए पहुंचे। उनके किस्मत ने भी जोर लगाया और चंद्रचूड़ सिंह को बतौर एक्टर सिलेक्ट कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई लेकिन ऐसा लगता है जैसे सफलता उनकी किस्मत में अभी नहीं लिखी थी। बजट की कमी के चलते इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा और चंद्रचूड़ सिंह एक बार फिर वापस वहीं पर आ गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। इसके बाद साल 1990 के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था सौदागर। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी थी राजकुमार और दिलीप कुमार। ये दोनों अपने समय के लेजेंडरी एक्टर थे मगर इसके बावजूद बीते लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सुभाष घई ने इन दोनों को ही अपने फिल्म में कास्ट किया। इस फिल्म के लीड हीरो की जरूरत थी और उसके लिए ऑडिशन चंद्रचूड़ सिंह ने भी दिया। वो ऑडिशन में सिलेक्ट हुए और सुभाष घई ने उन्हें हीरो के लिए फाइनल कर लिया। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि इन्हें फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह एक नए आर्टिस्ट विवेक मिश्रान को वो रोल दे दिया गया। फिल्म जब 1991 में रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट हुई। इसके साथ ही विवेक भी रातों रात स्टार बन गए मगर किस्मत ने चंद्रचूड़ सिंह के साथ दोबारा वही खेल खेला जिससे वो निराश हो गए। इसके बाद साल 1991 में अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजल फिल्मों में डेब्यू करने जा रही थी और काजल के अपोजिट हीरो की तलाश थी। ऑडिशंस चल रहे थे तो चंद्रचूड़ सिंह ने भी ऑडिशन दिया और फाइनली वो सिलेक्ट हो गए। अब वो काजल के साथ बतौर हीरो काम करने जा रहे थे लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कमल सदाना को हीरो के तौर पर एंट्री दे दी गई। ये फिल्म थी बेखुदी
जो अपने समय की सुपरहिट रही और इस फिल्म ने भी कमल सदाना को रातों रात स्टार बनाया। लगभग 2-3 साल के समय में चंद्रचूड़ सिंह के साथ 2-3 बार ऐसा हुआ। वो इन घटनाओं से निराश होकर आखिरकार दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद एक बार फिर वो यूपीएससी की तैयारी करने लगे और बच्चों को संगीत सिखाने लगे। अब वो एक्टिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल चुके थे, मगर मुंबई अब उन्हें बुलाने वाली थी। एक दिन स्कूल के चपरासी ने उनसे आकर कहा कि सर आपके लिए फोन आया है। वो जब फोन सुनने के लिए पहुंचे तो आवाज सुनकर हैरान हो गए। वो आवाज थी जया बच्चन की, जिनकी कंपनी ABCL एक फिल्म बना रही थी और उस फिल्म के लीड रोल का ऑफर चंद्रचूड़ सिंह के लिए आया। इस ऑफर को सुनने के बाद चंद्रचूड़ के पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था। चंद्रचूड़ ने जैसे ही हाँ कहा, जया बच्चन ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट पास किया और साल 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए उन्हें लीड रोल में सिलेक्ट कर लिया गया। इस फिल्म के उनके साथ अरशद वारसी थे। इतने लंबे संघर्ष के बाद उन्हें बॉलीवुड में एक हीरो के तौर पर साइन किया गया। आपको वो गाना तो याद होगा ही, जिसके बोल थे आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचाई, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड के दूसरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर की नजर में आ गए। इसके बाद वो फिल्म आई जिसने चंद्रचूड़ सिंह को एक पहचान दिलाई। दरअसल उस समय गुलजार साहब आतंकवाद के सब्जेक्ट पर एक फिल्म बना रहे थे और इसमें एक भटके हुए नौजवान की कहानी थी, जिसके रोल के लिए उन्हें आर्टिस्ट की तलाश थी। गुलजार साहब ने फिल्म तेरे मेरे सपने में दिए गए चंद्रचूड़ के ऑडिशन को देखा और फिर उन्हें अपने आने वाले फिल्म में एक सिख युवक कृपाल सिंह के रोल के लिए सिलेक्ट किया। इस फिल्म का नाम था माचिस। ये साल 1996 में आई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म के गाने छोड़ आए हम वो दुनिया और चप्पा चप्पा चरका चले लोगों की जुबान पर हो गए। इस फिल्म में जहां एक और चंद्रचूड़ सिंह को दर्शकों ने पसंद किया, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के लिए साल 1996 का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड चंद्रचूड़ सिंह को दिया गया। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह पर अपना नाम बदला लेने का दबाव बना, मगर वो अपना नाम बदलना नहीं चाहते थे। इसके बाद ये बात जब गुलजार साहब के सामने आई तो गुलजार साहब ने भी चंद्रचूड़ सिंह का ही पक्ष लिया और कहा कि भाई इस नाम में क्या दिक्कत है। इसके बाद ये विवाद यहीं थम गया और फिल्मों में भी इनका नाम चंद्रचूड़ सिंह ही रहा। आगे चलकर साल 1999 में आई फिल्म डार्क द फायर चंद्रचूड़ सिंह की हिट फिल्म रही। इसके बाद साल 2000 में आई फिल्म जोश में भी चंद्रचूड़ सिंह ने बेहतरीन अभिनय किया। इसमें वो ऐश्वर्या राय के प्रेमी बने। आपको बता दें कि इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख भी थे और ऐश्वर्या राय के प्रेमी का रोल पहले आमिर खान को मिला था, लेकिन फाइनली इस रोल को फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह ने किया। इस फिल्म का एक गाना हारे हारे हम तो दिल से हारे और मेरे ख्यालों की मलिका उस समय नौजवानों की जुबान पर था। वो उनके स्टारडम का दौर शुरू हो चुका था। इसके बाद करण जौहर अपने फिल्म कुछ कुछ होता है बना रहे थे और इस फिल्म में जो रोल सलमान खान ने किया वो रोल पहले चंद्रचूड़ सिंह को ऑफर किया गया, लेकिन किसी कारण से चंद्रचूड़ सिंह ने इस रोल के लिए मना कर दिया। इसके बाद फिल्म क्या कहना में भी चंद्रचूड़ सिंह ने बेहतरीन अभिनय किया। इस समय उनके पास बॉलीवुड के बड़े बड़े बैनर की अच्छी खासी फिल्में थी और उनके साथ उस समय की टॉप की हीरोइन काम कर रही थी। साल 2000 में ही चंद्रचूड़ सिंह ने काम से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने का मन बनाया और वो छुट्टियां बिताने गोवा पहुंच गए। एक बार वो वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे थे। मदर बोर्ड पर रस्सी बंधी हुई थी और वो पानी की सतह पर स्किंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मोटर बोर्ड की रफ्तार बढ़ती चली गई और आगे चलकर सिचुएशन चंद्रचूड़ सिंह के कंट्रोल से बाहर हो गई। उनका एक हाथ रस्सी से छूट गया, लेकिन दूसरा हाथ रस्सी में फंसा रहा। फाइनली वो हाथ उनके कंधे से उखड़ गया। इसके पहले कि वो शरीर से उखड़ता, मोटर बोट रुक गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। भयंकर दर्द से गुजरते हुए चंद्रचूड़ सिंह मुंबई आए और फिर उन्होंने अपना इलाज किया। लगभग एक साल का गैप हो गया और जब वो ठीक होकर वापस शूटिंग पर आए तो किसी भी डांस सीक्वेंस या फाइट सीक्वेंस को करते समय उन्हें फिर से दर्द उठ जाता। वो सीन को नहीं कर पाते। उन्होंने ऑपरेशन भी कराया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने लगा। ढेर सारी दवाइयां खाने के चलते उनका वजन भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उनके पास जितनी भी फिल्में थी सब हाथ से निकलती गई और करियर डूबता गया। अपनी इस चोट से उभरने में उन्हें 10 साल का समय लग गया, मगर तब तक फिल्मी दुनिया बदल चुकी थी। 10 साल बाद उन्होंने फिल्म 4 दिन की चांदनी से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे चलकर टीवी पर कुकरी शो करने लगे और कई सारी वेब सीरीज में भी नजर आए। मई 1999 में चंद्रचूड़ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आने वाली अवंतिका मनकोटिया से शादी की।
इनके पिता अजय सिंह एक राजनेता और होटल व्यवसायी हैं। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। आगे चलकर इन दोनों का तलाक हो गया। इन दोनों का एक बेटा है जो इस समय चंद्रचूड़ सिंह के साथ ही रहता है। तो ये थी एक टैलेंटेड एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के जीवन की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।